चला खेळ सुरू करायचा आहे. अतिशय तगडा सामना आपण पाहतोय, कबीर इलेव्हन खानिवली आणि स्वराज डोहळे. कबीर इलेव्हन खानिवली संघानं नाणेफेकीचा कोल आहे गमावला. नक्कीच कबीर इलेव्हन खानिवली संघानं नाणेफेकीचा कोल आहे तो आपल्याकडे प्राप्त करत प्रथम क्षेत्ररक्षणाचं या ठिकाणी स्वीकार केलेला आहे. फलंदाजी आमंत्रित केलं आहे स्वराज डोहळे संघाला. चार षटकांचा सामना असेल. फारुख बर्डी आणि पंच गोकुळदास पाटील यांना आपण पाहतोय. अतिशय रंगतदार लढत. विकास स्मृती चषक 2019 खेळाचा आरंभ होतोय. पंच फारुख बर्डी यांचा इशारा खेळ सुरू होण्याचा. रोशन तुंगार गोलंदाजी सज्ज. समोर जाईल फलंदाज. आपण पाहतोय सलामीला साहिल ज्युनियर आणि सलमान. तर अशा पद्धतीनं पॉवर प्लेचं षटक आहे. एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये. एक क्षेत्ररक्षक मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये. पहिलाच चेंडू निचित बॅटची कडा घेत एस टी रक्षकाला चकमा देत चेंडू गेला होता. थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. अतिशय सुरेख सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा नमुना. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केली जाते. एक धावाने आरंभ प्रारंभ होतोय. सामोरं जाईल आता निश्चित पहिला चेंडूला सामोरा गेला साहिल. दुसऱ्या चेंडूला सामोरा जातोय सलमान. अप्रतिम अशा पद्धतीचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. निश्चित दर्शनीय चौकार आपला पाहायला मिळतोय. सलमानच्या बॅटमधून निघालेला हा पहिला चौकार. अतिशय सुरेख रीतीनं सलमाननं हा चेंडू ओळखला आणि ज्या पद्धतीनं फटका खेळून काढला कौतुकास्पद असा हा फटका होता. पॉवर प्लेच्या षटकात टिपिकल पॉवर प्लेची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खूपच दर्शनीय चौकार जोडला गेला. पाच धावा धावफलकावरती. रोशन तुंगार गोलंदाजी करतोय. सामोरा जातोय सलमान. या पुढील जो सामना आहे तो संतोष स्टेट प्रतिष्ठान देवळी वर्सेस तलुली स्फोट टलवली. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच सुंदर चेंडू. अतिशय सुरेख फुल्लर लेन चेंडू होता. उजव्या एसटीच्या दिशेनं चेंडू ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरला. थोडासा बाहेर होता चेंडू पडल्यानंतर आत वळतोय. फुल्लर लेन चेंडू मात्र या चेंडूच्या टप्प्यानं आणि वेगानं चकित होतोय फलंदाज सलमान. एक तेरी तो एक मेरी. पुढचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न आणि थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं फार मोठी चूक घडते. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. सलमानच्या बॅटमधून निघालेला हा दुसरा चौकार. नऊ धावा धावफलकावरती. अतिशय दक्ष पंच आम्हाला लाभले ज्यांचं बारीक लक्ष. ते पंच फारुख बर्डी, पंच गोकुळदास पाटील, पंच शकील कोटी आणि पंच शानू कुरेशी. तर हे अतिशय व्यावसायिक पंच आहेत आणि नऊ धावा धावफलकावरती झळकल्या गेलेल्या आहेत स्वराज डोहळे संघाकडनं. चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट निश्चितच आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. हा मैदान नेहमी डोहळे संघाला यशदायी झालेला आहे, यशदायी ठरलेला आहे. शरीरापासून दूरवरनं खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू उजव्याच्या खूपच बाहेर. पंच फारुख बर्डी यांचा व्हाईटचा इशारा. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. दहा धावा धावपलकावरती. शैलीदार अशा पद्धतीचे दोन्ही फलंदाज आहेत. शैलीदार गोलंदाजीसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्वतः कर्णधार आहे रोशन. छोटासा रनअप नक्कीच कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. सुंदर ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तीन तीन पळत होते मात्र चेंडू फरार होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा चौकार आणि चौकाराच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत 14. संतोष शेठ प्रतिष्ठान संघ या ठिकाणी आलेला आहे. आपलं स्वागत आहे. खंडोबा सुद्धा आपण पाहतोय. जेव्हा जेव्हा संतोष शेठ प्रतिष्ठान संघ असतो तेव्हा तेव्हा खंडोबा त्यांच्या सोबतीला असतो. तर धावफलकावरती धावा झळकल्या गेलेल्या आहेत 14. निश्चितच खोलवर डप्याचा चेंडू होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये हा चेंडू खेळला जातो. थोडीशी पंबलिंग क्षेत्रक्षणामध्ये. अचूक लाभ घेतला गेला. दोन धावा लिहिल्या जोडल्या गेल्या. निराश असेल रोशन तुंगार आपल्या क्षेत्ररक्षकांच्या कामगिरीवर कारण या चेंडूवर केवळ एकच धाव अपेक्षित होती मात्र दोन धावा पूर्ण झाल्या. धावफलकावरती धाव झळकलेले आहेत बिनबाद 16. एक चांगला आरंभ प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दमदार उत्तर देण्याचा प्रयत्न होतोय या
आक्रमण आला आणि त्याच जोरावरती पॉवर प्लेच्या षटकात 16 धावा वसूल केल्या गेल्या। रोशन काटसकर गोलंदाजी दुरा सांभाळेल। रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते, मैदानावर तर रणनीती आहेच पण मैदानाच्या बाहेरून सुद्धा जी रणनीती मगाशी पाहायला मिळते तीच रणनीती या दोन संघांमध्ये पाहायला मिळते। आतिश गोडविंदे हा मैदानावरती अजून आलेला नाही आहे आणि म्हणूनच आपण पाहतोय की ज्या पद्धतीनं शेखरनं आपला मोहरा पुढे केलेला आहे तो म्हणजे काटसकरला। आता मात्र स्विजिट करण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतो। या ठिकाणी साहिल दोन टप्प्याच्या साह्यानं चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर चौकार आणि चौकाराच्या जोरावरती धाव बलग धाव झळकत आहेत। 20 बिनबाद 20 धावा रोशन काटसकरच्या गोलंदाजीचा यथेच्छ समाचार घेण्यासाठी आसुसलेला जसं काही साहिल चांगल्या पद्धतीचा हा रिव्हर्सचा फटका खेळला। दरम्यान पुढचा चेंडू रोशन काटसकर निश्चितच उजव्या इष्टीच्या रोखाना मारा केला जाऊ उजवीकडे शप्पल होत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न। मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्ररक्षक होता त्याच्याकडनं थोडीशी फंबलिंग झाली, अचूक लाभ घेतला गेला। 2 धावा लिहिल्या पूर्ण 22 धावा धावपलकावरती। बिनबाद 22 सलमान आणि साहिल ज्युनियर ही जोडी आपण मैदानावरती पाहतोय। रोशन काटसकरचा पुढचा चेंडू निश्चितच मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न मात्र क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी घडते। क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं पकडो कॅच जीतो मॅच या मंत्राचा विसर पडलाय। झेल धरतीला दान होतोय, सलमानला आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद, साहिलला आशीर्वाद दिला जातोय आयुष्यमान भव कारण साहिल ज्युनियर अतिशय तगडा खेळाडू आहे। 23 धावा धावपलकावरती झळकल्या गेलेल्या आहेत। आपण पाहतोय जे क्रिकेट प्रेमी आहेत आयोजनाची भूमिका पार पाडणारे काही मंडळी या ठिकाणी। दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच उजव्या इष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर पंचांचा इशारा वाईट, मानसिक दबाव गोलंदाजावर येतोय। जो झेल सुटला होता कुठेतरी नाराज होतोय रोशन काटसकर। धावपलकावरती धावा झळकत आहेत 24 धावा। दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच चेंडूला चांगल्या पद्धतीची ओसरी प्राप्त करून दिली, खांद्याचा वापर केला गेला, उजव्या इष्टीच्या रोखानं चेंडू ठेवला होता। नरेश राऊत यांचं म्हणणं आहे जर का डोहळे संघ आजच्या दिवसातून अंतिम तीनमध्ये पोहोचला तर त्यांची संध्याकाळची जेवणाची व्यवस्था मी स्वतः करेन। दरम्यान पुढचा चेंडू आता मात्र आपण पाहतोय बॅकवर्ड लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय 4 धावांसाठी आणि चौकाराच्या जोरावरती धावपलकावरती धावा झळकत आहेत 28 धावा। धावपलकावरती दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ, चांगल्या पद्धतीने धावगती ही वाढू लागलेली आहे। दरम्यान रोशन काटसकर गोलंदाजीसाठी सज्ज, खूपच वेर चेंडू उजव्या इष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर पंच गोकुळदास पाटील यांचा वाईटचा इशारा 29 धावा धावपलकावरती। बिनबाद 29 एक चांगली सुरुवात चांगला आरंभ प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय। स्वराज डोहळे संघाची जी धावसंख्या आहे ती चांगल्या पद्धतीने मार्गक्रमण करते आहे, एक चांगला प्रहार करण्याचा प्रयत्न। मिस टाईम शॉट आपला पाहायला मिळतोय काहू कॉर्नरच्या क्षेत्राकडे हा चेंडू जात होता। 2 धावा लिहिल्या पूर्ण, 2 धावेच्या जोरावरती धावपलकावरती धावा झळकता आहेत। बिनबाद 31 धावा, दुसरा षटकाचा खेळ मार्गस्थ।
अशा पद्धति दोन षटका समाप्ति नर धा फलकावती 31 धावा। पुढील दोन्ही संघाला मी आमंत्रित करतोय नाणेफेकीसाठी। देवळी संघ आणि तलोली स्पोर्ट तलोली दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे। त्वरित खेळ सुरू करणार आहोत आपण। विकास स्पोर्ट्स अतकोली नरेश राऊत आणि त्यांचे रुपेश पाटोळे असतील, त्यांचे सारे स्वयंसेवक असतील। अतिशय मेहनत घेतलेली आहे आणि चांगला अशा पद्धतीचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। अफसर रईस यांच्या स्पर्धेची सुद्धा सारेजण आतुरतेने वाट पाहत असतील। खऱ्या अर्थाने गेल्या वर्षी अफसर रईस यांनी स्टार्ट करून दिलं, त्याच्यानंतर साजिश शेख यांचा एक मेगा शो असतो, अफसर रईस यांचा मेगा शो असतो, अनेक शाहिद खान यांच्याकडनं तर दोन मेगा शो आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि गेल्या वर्षी आपण जर पाहिलं तर खूप सुरेख सुंदर स्पर्धा झाल्या होत्या, त्याचीच री अतकोली येथील या पहिल्या दोन स्पर्धेंनी ओढलेली आहे। खूप उच्च कोटीचा पडगा क्रिकेटचा जो दर्जा आहे तो सिद्ध झालेला आहे आणि पडगा क्रिकेट असोसिएशनची जी स्थापना करण्यात आलेली आहे, कमिटी बनवण्यात आलेली आहे, ते खूप योग्य निर्णय। निवा पटेलने माझी सांगितलं की कोणाला तारखा हव्या असतील तर त्या निश्चितपणे कमिटीला कळून तुम्ही तारखा घ्या। अजून अनेक तारखा शेष आहेत। आम्ही कासणेकर चषक 19 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर आपण अनुभवणार आहोत। दरम्यान तिसरं षटक आतळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज अविनाश। मगाशी थोडासा अविनाश मागाडा ठरला होता, छोट्या चणीचा हा गोलंदाज आहे। या ठिकाणी आता काय करतोय, कारण सामोरा जाईल तो फलंदाज सलमान। साहिल स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला सलमान। नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय तलोली स्पोर्ट तलोली आणि संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी, मंगेश पाटोळे यांचा संघ। अप्रतिम अशा पद्धतीने चेंडूची हाताळणी, चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्राकडे, पळून एकदा पूर्ण केली चुकीची फेकी आणि दोन धावा लिहिल्या पूर्ण। दोन धावेच्या जोरावरती दहा फलकावरती धावा झळकतायत 33। तिसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ 33 धावा। चांगल्या पद्धतीनं दोन्ही संघ एकमेकाशी झुंजता आहेत, झुंज बघायला मिळते अतिशय अभूतपूर्व, कारण दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत, मातब्बर आहेत। काल BCC बोरिवली संघ अंतिम तीनमध्ये पोहोचला, या मैदानावरती BCC बोरिवली संघानं 3 विजेतेपद प्राप्त केलेले आहेत, 3 विजेतेपद डोहळ्याच्या नावावर कोरले गेलेले आहेत। निश्चित दर्शनीय फटका, हेलिकॉप्टर उडा दिया आहे आणि चेंडू जातोय वायडिश लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात, दर्शनीय षटकार। पंच फारुक बर्डी यांची आगळी वेगळी शैली षटकार जाहीर करण्याची। धाव बलकावती धावा झळकतायत 39 धावा 39। तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि एकही गडी गमावलेला नाही, अतिशय जमेची बाजू। दरम्यान पुढचा चेंडू अविनाशचा, थोडासा आकुंठपणाचा चेंडू फिरकावून दिला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात, दर्शनीय षटकार आणि षटकाच्या जोरावरती धाव बलकावती धाव झळकता आहेत बिनबाद 45। निश्चितच डाव्या इष्टीवरचा चेंडू अचूक ओळखला आणि ज्या पद्धतीनं साहिलनं हा षटकार खेचलेला आहे, दिलखेचक फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। स्वतःच्या शरीराला गिरकी दिली आणि चेंडूला बिरकावून दिलं सीमारेषेच्या बाहेर 45 धावा धाव बलकावरती। तिसरा षटकाचा खेळ मार्गस्थ झालेला आहे। दर्शनीय कामगिरी करण्यासाठी साहिल आणि सलमान आसुसलेले आहेत आणि खूपच सुरेख सुंदर प्रारंभ आरंभ आपल्याला झालेला पाहायला मिळतोय। अशा पद्धतीने जर का ते तुटून पडले तर प्रतिस्पर्धी संघांची नांगी ठेचण्याचं काम करणार आहेत। दरम्यान अविनाश गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल तो साहिल ज्युनियर। थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू मिस टाइम शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय लॉंगॉनच्या क्षेत्रात, चेंडू अडीपर्यंत पळून एकदा पूर्ण झाली। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा लिहिलं या पूर्ण। 47 धावा धाव बलकावरती,
निश्चितच बॅट वेगाने फिरली होती आणि चेंडूच्या वेगात सुद्धा अविनाशने बदल करतो पथ्यावर पडला, मात्र दोन धावा लिहिल्या पूर्ण. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर, धावपलकावरती 47 धावा, बिनबाद 47. खूपच जबरदस्त आरंभ, एक दर्शनीय फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार आणि षटकाराच्या जोरावरती धावपलकावरची धावा झळकत आहे 53. धावांचा डोंगर उभारला जातोय का, मात्र चौथं षटक शेखर दळवी यांचं शेष असेल. 53 धावा उभारल्या गेल्यात. अजूनही काही चेंडू शेष आहेत या षटकातील, कारण पुढचा चेंडू अविनाशचा निश्चितच उजव्या ऐशीच्या अतिरिक्त बाहेर होता. पंचांचा इशारा नो बॉल म्हणजे फ्री हिट असेल. 54 धावा आणि एक संधी आलेली आहे, त्या संधीचं कशा पद्धतीनं साहिल ज्युनियर सोनं करतोय पाहूया. अविनाश दोन जे गोलंदाज आहेत मुख्य ते आज कबीर इलेवन खानिवलीमध्ये दिसत नाहीत. निश्चित हेलिकॉप्टर उडवायचा होता मात्र हवेत उडवला जात नाही, तर ग्राउंडेड शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पण ज्या पद्धतीनं दोन धावा पळून पूर्ण केल्या, चित्त्याची चपळाई आणि हरणाचा वेग या दोघा फलंदाजांनी धरला आणि त्याच जोरावरती धाव बलकावरती धावा झळकल्या जात आहेत. 56 पहिल्या षटकात 16 धावा, दुसऱ्या षटकात 15 धावा आणि या षटकात मात्र 25 धावा या कुठल्या गेल्या, आणि अशा पद्धतीनं 56 धावा धावपलकावरती झळकलेल्या आहेत. चौथं षटक स्वतः संघाचा जो आधारस्तंभ आहे, प्रेरणास्थान आहे, तो म्हणजे शेखर आता वेगवान माराही करू शकतो आणि फिरकी गोलंदाजी करू शकतोय. मागच्या सामन्यात राहुल आणि शेखरनं सामना एक हाती खेचून आणला, फलंदाजी मात्र कबीर इलेवन खानिवली संघाची दमदार आणि तेवढीच दमदार फलंदाजी आपल्या पाहायला मिळते स्वराज डोहळे संघाची. अप्रतिम चेंडू ब्लॉक होता, वेध घेणारा होता चेंडूला, फ्लायटेड चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु तरीसुद्धा कशा पद्धतीने ब्लॉकमध्ये पडेल याची त्याने खात्री ठेवली होती. अतिशय सुरेख टप्पा, किती सराव करावा लागत असेल अशा पद्धतीचे चेंडू टाकायला, कौतुक करावं लागेल शेखरचं. एकेरी धाव, एक धावीच्या जोरावरती 57 धावा धावपलकावरती. दरम्यान पुढचा चेंडू थोडासा निश्चितच आपटी देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूचा टप्पा खूपच सुरेख सुंदर होता, पळून दोन धावा पूर्ण होतील. या दोन धावीच्या जोरावरती धावपलकावरती धावा झळकल्या गेलेल्या आहेत. बिनबाद 59, 60 अधिक धावा धोक्याचा इशारा देतील. खरं म्हणजे 50 अधिक धावा धोक्याचा इशारा आहे, कारण दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत. 59 धावा तर धावपलकावरती झळकल्या गेल्यात. या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या पाहायला मिळाली ती 77 जी उभारली होती चेरोबा वाशिरे संघानं. निश्चितच सुरेख सुंदर चेंडू, बॅटच्या एजला लागत चेंडू फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये गेला होता. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक सुंदरतीने झेल घेतोय. पहिला झटका, पहिला फटका आणि बाद होण्यापूर्वी साहिल ज्युनियरनं आपल्या खेळीमध्ये ज्या पद्धतीनं फलंदाजी केलेली आहे निश्चितच कौतुकास्पद. 34 धावा त्याने केल्या वैयक्तिक आणि संघाची धावसंख्या 59. तर आपण सारेजण आनंद घेत आहोत विकास स्मृती चषकाचा आणि यातील दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यांना प्रारंभ झालेला आहे. पुढील सामन्याची नाणेफेकी असेल देवळी संतोष शेठ प्रतिष्ठान संघ वर्सेस तलोली स्पोर्ट तलोली. त्याच्यानंतर आपण तिसऱ्या फेरीच्या सामन्याला प्रारंभ करणार आहोत. दरम्यान पुढचा चेंडू शेखरचा 59 डावा धावपलकावरती इकडच्या मोबदल्यात, निश्चितच उजव्या ऐशीच्या अतिरिक्त बाहेर, अधिक जोर काढला जातोय. 60 धावा या स्वेर चेंडूनं पूर्ण होता आहेत. अजूनही काही चेंडू शेष, एक गडी गमावला आहे. त्याच्यानंतर आलेला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय आतिश घोडविंदे, यशाची गुरुकिल्ली.
एक जबरदस्त प्रहार मात्र चेंडूला उंची अधिक प्राप्त होते हैं डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात एक सोप्पा झेल धरतीला दान होतोय निश्चित चुकी घडते क्षेत्रक्षकाकडनं चुकी घडते आतिशकडनं कारण धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही एकसष्ट धावा धाव पलकावरती लतीफ रईस यांच्या संघाची आपण जर बाब पाहिली तर हा संघ फलंदाजीमध्ये परिपूर्ण लतीफची गोलंदाजी पॉवर प्लेचा तर तो किंग आहे मात्र त्याच्यानंतर चौथं षटक टाकणारा गोलंदाज कोण हा लतीफला पडलेला प्रश्न आणि तलोली संघाला पडलेला यक्ष प्रश्न पुढचा चेंडू निश्चितच सुरेख चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न सलमानला हा चेंडू उमगत नाही आणि शेखर दळवी क्लास सिद्ध करतोय मगाशी जो क्लास प्रशांतनं सिद्ध केला तोच क्लास या ठिकाणी शेखर दळवी दाखवतोय अतिशय सुरेख सुंदर क्रिकेटचा महासंग्राम क्रिकेटचा महाभारत पुढचा चेंडू निश्चितच सुरेख सुंदर चेंडू होता तेवढा सुंदर फटका मात्र चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक सुंदर झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज तंबूत परततोय सलमान दोन बाद एकसष्ट धावा बासष्ट धावा याचं लक्ष तर आपण जाऊया नाणेफेकीकडे संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी वर्सेस तलोली स्पोर्ट तलोली या दोन संघाच्या दरम्यानची नाणेफेकी मी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी सन्माननीय राऊत विकास राऊत यांना विनंती करतोय आपण विकास भोईर आपण नाणेफेकी करणार आहात तर नाणेफेकीसाठी यायचंय ज्ञानेश्वर पाटोळे यांचा संघ संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी आणि तलोली स्पोर्ट तलोली तर नाणेफेकी होत आहे विकास भोईर साहेब नाण्याची कोणती बाजू आपण दाखवण्याची गरज नाही कारण नंतर तो आम्ही अतकोलीकर आणि विकास 2019 तर नाणेफेकी होते आम्ही अतकोलीकर सकाळपासून सगळेजण आम्ही अतकोलीकर मागतायत आणि आम्ही अतकोलीकरच येऊन या ठिकाणी पडत असतो निश्चितच नाणेफेकी मागणारा जो कर्णधार आहे तो यशस्वी होत असतो तर विकासजी आपण म्हणजे शोभा वाढवायची आहे अभिजित नाणेफेकीचा कोल तुझ्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा होता महत्त्वाचा आहेच कारण की या सत्रातली पहिले मॅच खेळतो आणि नाणेफेक जिंकणे हा लक फॅक्टर मानला जातो म्हणून जास्तच महत्त्वाचा होता नाणेफेकीचा कोल तर तू आता प्राप्त केलेला आहेस मग तुझा निर्णय काय असणार आहे फलंदाजी करणार प्रथम फलंदाजी करणार आहे किती धावा तोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवणार तू 40+ 40 अधिक धावा मग या जोडत असताना कोणत्या फलंदाज तुझी मदार असेल मंगेश आहेत परत अजून आदेश आकेश आणि मीच होता निश्चितच या स्पर्धेच्या आयोजन नियोजनाबद्दल काय वाटतं दरवर्षाप्रमाणे खूपच सुंदर असं आयोजन नियोजन आणि दरवर्षी खेळण्याची संधी मिळते तर त्याबद्दल धन्यवाद निश्चितच नाणेफेकीचा कोल लती तुझ्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा होता हा इम्पॉर्टंट हा नाणेफेकी जिंकली असे तू काय निर्णय घेतला असता फिल्डिंग करण्यावाला म्हणजे निर्णयाने काही फरक पडलेला नाही तर किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी संघाला इन्शाल्ला अंडर 40 करेन 40 कमी धावांवरती या स्पर्धेमध्ये आपण जर पाहिलं तर युट्यूबवरच्या माध्यमातून प्रक्षेपण त्याचप्रमाणे TV वरती सुद्धा ही स्पर्धा पाहता येते आणि एकंदरीत आयोजन नियोजनबद्दल तुला काय वाटतंय काफी अच्छा आयोजन नियोजन आहे और पिछले सैटरडे को भी हुआ था टूर्नामेंट और ये अच्छा टूर्नामेंट चौथा गोलंदाजा जो यक्ष प्रश्न आहे तो तुझा सुटला आहे का अजून कठीण म्हणला आहे नाही इन्शाल्ला करेंगे गेंदबाज निश्चितच दोन्ही संघाला शुभेच्छा देतोय तर नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केला संतोष शेठ प्रतिष्ठान देवळी संघाने प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले तलोली स्पोर्ट तलोली संघाला माईक ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स येथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक अजय खरत थँक्यू कायकॉट सर दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विकास स्मृति चषक 2019 में आज दूसरा दिन और अब पारी शुरू होने जा रही है इस समय कबीर 11 खानीवली टीम की बड़ा टारगेट है 62 की चुनौती गेंद स्टंप्स पर लगी जरूर लेकिन ये नो बॉल है
नो बॉल का इशारा अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। देखना एक शायद ओवर स्टेपिंग हो गई है जी, हाँ ओवर स्टेप कर बैठे हैं गेंदबाज और शानू ने अपने सिर पर हाथ दे दिया, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं क्योंकि शेखर को बोल्ड करने में कामयाब रहे थे। शेखर और राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर। खानीवाली टीम के लिए हम देख रहे हैं कि उनकी बॉलिंग कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले मैच में भी 52 रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने, इस मैच में 61 रन खर्च किए हैं। एक रन दौड़कर मेरे ख्याल से वहां पर पूरा किया है जिया। नो बॉल गेंद थी। स्कोर 2 रन और अगली गेंद है फ्री हिट राहुल के पास, अच्छा मौका। पहले मैच में दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने धुआंधार बैटिंग की थी सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने टीम के सामने। बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ड्राइव कर दिया है और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। ओवर पिच गेंद, फ्री हिट गेंद थी, किसी तरह का कोई जोखिम नहीं था, लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर भी नहीं था और बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव राहुल के बैट से। और आज सुबह के मैच में भी इसी तरह से आगाज किया था उन्होंने, पहली 4 गेंदों पर 4 लगातार छक्के जड़े थे ललित राणी की गेंदबाजी पर। सुदाम स्पोर्ट्स भादा ने टीम को मात दी थी पहले राउंड के मुकाबले में कबीर 11 खानीवाली टीम ने। 53 रनों का जो पीछा किया था वो देखने लायक था। तीसरे ही ओवर में मैच समाप्त कर दिया था शेखर और राहुल ने, जिसमें राहुल ने 26 रन बनाए थे 4 छक्कों की मदद से और शेखर 28 रन बनाकर नाबाद रहे थे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी अब रखा गया है और एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। शफल करते हुए खेला है इस बार शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद जाती हुई, अच्छा एफर्ट फील्डर का, गेंद को रोकने में कामयाब रहे और इसी बीच 1 रन। सिंगल से आगे बढ़ता हुआ स्कोर कबीर 11 खानीवाली टीम का, 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक बहुत ही बड़ी चुनौती है डोहले टीम के ओर से, साहिल जूनियर ने 34 रनों की शानदार पारी खेली और 21 रनों का बढ़िया योगदान दिया सलमान ने। अगली गेंद लेकर शानू, नो बॉल है फिर से, फुल टॉस भी है और गैप में खेल दिया है 4 रनों के लिए। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर शानू, ये दूसरी मरतबा नो गेंद की है उन्होंने और इस बार लेंथ में भी चूक गए थे। फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट की दिशा से निकाल दिया 4 रनों के लिए शेखर दलवी ने। इस तरह की गेंदबाजी यदि होती रही तो फिर ये बड़ा टारगेट बहुत आसान बन सकता है कबीर 11 खानीवाली टीम के लिए। ये मैच रोचक होगा इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि दोनों भी टीमें काफ़ी मजबूत है। डोले टीम ने स्कोर भी बड़ा खड़ा कर लिया है, मजबूत स्कोर बनाया है, लेकिन वो स्कोर कितना महफूज है ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर लगातार ओवर स्टेपिंग हो रही है। एक बार फिर से फ्री हिट, अब मौका है शेखर के पास, शॉर्ट गेंद, जोरदार स्ट्रोक डीप कवर के बाहर, 6 रन, लाजवाब स्ट्रोक। कबीर 11 खानीवाली टीम के समर्थक काफी खुश, शॉर्ट पिच गेंद थी और लगभग हमने देखा कि जो गति थी वो भी बहुत कम थी। इंतजार किया, रुके वहां पर शेखर और जोरदार तमाचा दिया गेंद पर डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन, धुआंधार शुरुआत कबीर 11 खानीवाली टीम द्वारा। सुबह के मैच में भी जो 53 रनों का टारगेट था उसमें हमने देखा पावर प्ले के ओवर में 20 रन बनाए थे, 22 रन बनाए थे शेखर ने, गजब की शुरुआत दी थी अपनी टीम को और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने वो मैच समाप्त किया था। शानू एक बार फिर से, काफी दबाव में गेंदबाज, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार हुक कर दिया है 4 रनों के लिए। मैदान के चारों तरफ खेलने की अद्भुत क्षमता शेखर दलवी में, जिस तरह की गेंद आती है उस तरह के स्ट्रोक्स तो खेलते ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेखर अच्छी गेंदों पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, स्ट्रोक बना लेते हैं। रन मशीन खानीवाली टीम की, शेखर आज अलग ही अंदाज नजर आ रहा है शेखर का। एक ऐसे खिलाड़ी है जो जब चलते हैं तो बरसते हैं और गेंदबाज इनका विकेट लेने के लिए तरसते हैं। शानू को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पर की जाए। एक तो खुद के पैर पर पहले ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने, पहली गेंद नो बॉल की, जिस पर हालांकि बोल्ड किया था उन्होंने शेखर को,
लेकिन नो बॉल कर बैठे और उसके बाद हमने देखा कि कुछ कमजोर गेंदे, ओवर पिच गेंदे, शॉर्ट पिच गेंदे की है, दो नो गेंदे कर चुके हैं इस ओवर में, एक लंबा और महंगा ओवर साबित होता हुआ। स्कोर 24 रन इस बार पंच किया है। खराब क्षेत्र रक्षण, कवर्स में गेंद पीछे जा रही है, आतिश गेंद का पीछा करते हुए लेकिन रोक नहीं पाए, चार रन और। आतिश की कोशिश तो बहुत बढ़िया थी लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही, कवर में मिसफील्ड हुआ, उसके बाद आतिश भी रोक नहीं पाए। लगातार चौके छक्के देखने को मिल रहे हैं, दो छक्के लग चुके हैं इस पहले ओवर में और दो चौके, कुल स्कोर हुआ है 28 रन, तीन चौके लग चुके हैं, दो छक्के और तीन चौके। बहुत ही खर्चीला ओवर शानू का, शानू एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार किनारा लगा है और आउट, कॉट बिहाइंड हो गए शेखर दलवी। अपने आप को हल्का सा रूम देकर ड्राइव लगाने की कोशिश की थी उन्होंने थ्रू द ऑफसाइड, लेकिन बाहरी किनारा लगा बल्ले का और बहुत ही निराश होकर पेवेलियन की तरफ लौटते हुए शेखर दलवी, खानीवली टीम को पहला विकेट, पहला झटका और इसके साथ पहला ओवर भी समाप्त होता हुआ 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। शेखर लंबी पारी तो नहीं खेल पाए लेकिन जितनी देर तक क्रीज पर थे मनोरंजन कर रहे थे दर्शकों का, विस्फोटक शुरुआत दी है अपनी टीम को शेखर ने, 19 रन बनाकर आउट हुए हैं। ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए लेकिन जितनी देर क्रीज पर थे वाकई में आकर्षक स्ट्रोक्स खेल रहे थे शेखर दलवी। मात्र 6 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए, राहुल 7 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदे खेली उन्होंने, एक छक्का लगाया है। शेखर की पारी में एक छक्का और 3 चौके देखने को मिले और जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी खानीवली टीम को बिल्कुल उसी तरह की, बल्कि उससे भी बढ़िया शुरुआत दी है दोनों भी ओपनर्स ने। एक ओवर के बाद 28 रन एक विकेट के नुकसान पर, नया ओवर लेकर साहिल जूनियर। साहिल जूनियर की टीम में वापसी हुई है, जयदुर्गा ट्रॉफी में खेले नहीं थे और क्या बढ़िया वापसी रही है, बैटिंग में उन्होंने कमाल किया, 34 रन बनाए मात्र 12 गेंदों में, इसमें 3 छक्के लगाए थे और एक चौका। और अब गेंद के साथ भी जौहर दिखाना चाहेंगे, नए बैट्समैन आए हैं समीर दलवी। स्ट्राइक राहुल के पास, लोअर फुल टॉस स्वीप कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सरताज है, वहां पर केवल एक रन, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन। 62 रनों की चुनौती जिसका पीछा इस समय करती हुई खानीवली टीम, समीर दलवी जो अपने तगड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं उनके लिए एक पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर और एक शॉट फाइन लेग। धीमी गति की गेंद लेकिन शॉट गेंद, गेंद हवा में है और यहां पर कोशिश तो बढ़िया थी डीप कवर में लेकिन कैच छूटा है। फील्डिंग में भी काफी गलतियां हो रही है, पिछले ओवर में भी मिसफील्ड देखने को मिला था, इस बार कैच छूटा है। विजय के हाथों से ये कैच छूटा है, हालांकि आगे दौड़ना पड़ा था उनको लेकिन गेंद हाथों में गिर गई थी और जब गेंद आपके हाथ में गिर जाती है तो वो कैच ही होता है, कैच ड्रॉप हुआ है। साहिल एक बार फिर से उठाने की कोशिश, इस बार इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप स्क्वेयर लेग की जानिब, एक रन पूरा किया, दो की कोशिश में है बल्लेबाज और 2 रन भी यहाँ पर पूरे। गेंदबाज निश्चित रूप से थोड़े से निराश, वहां पर दूसरा रन बनना इस गेंद पर थोड़ा मुश्किल काम था लेकिन फील्डर का जो थ्रो था वो सटीक नहीं था। 4 पर पहुंचे समीर दलवी, टीम का स्कोर 33 रन, यहां से और 29 रनों की जरूरत, अभी भी काफी कश्मकश बाकी है इस मैच में, काफी रोचकता अभी भी बरकरार है। गति परिवर्तन, बढ़िया गेंद, बहुत ही चतुराई भरी गेंद थी, इससे पहले भी एक धीमी गति की गेंद की थी लेकिन वो शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार आगे रखी हुई गेंद और गेंद पड़ने के बाद हल्की सी घूमी भी थी क्योंकि पेस एक तो कम कर लिया था, गेंद को थोड़ा सा रिवोल्यूशन भी दिया था वहां पर बॉलर साहिल ने, एक किफायती ओवर साबित होता हुआ राहिल साहिल का। अगली गेंद लेकर साहिल, फिर से गति परिवर्तन, बहुत जल्दी खेल बैठे, गेंद की रफ्तार को समझ नहीं पा रहे हैं, गेंदों की लेंथ को भी ठीक तरह से परख नहीं पा रहे हैं बैट्समैन समीर। ताकतवर शॉट्स खेलने की कोशिश,
लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क बनाना जरूरी है रन्स बनाने के लिए। रुका हुआ स्कोर 33 रन वापसी होती हुई इस मैच में ढोले टीम की। इस बार लीडिंग एज आसान सा मौका विकेटकीपर के लिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से समीर दलवी के पारी का अंत होता हुआ दूसरा झटका लगा है बीच मैदान में खानीवली टीम को। समीर काफी स्ट्रगल कर रहे थे, एक जीवन दान भी मिला था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। मात्र 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया पेवेलियन में लौटते हुए। नए बैट्समैन नंबर 4 पर पहुंचे हैं बीच मैदान में खानीवली टीम के लिए, दर्शन आए हैं बायत के बल्लेबाज जो कई बार पारी की शुरुआत भी कर चुके हैं खानीवली टीम के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जोड़ी अब क्रीज पर, राहुल और दर्शन। राहुल 8 पर बैटिंग कर रहे हैं और राहुल का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। पहले मैच में 26 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली थी दर्शन, देखना है किस तरह से खेलते हैं। समीकरण हम देखें तो 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की ज़रूरत। जिस तरह से शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 28 रन पलड़ा पूरी तरह से भारी नज़र आ रहा था खानीवली टीम का, लेकिन साहिल निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, एक मैच विनर खिलाड़ी है साहिल जूनियर, और ये मैच उन्होंने पलट कर रख दिया है अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी की बदौलत। 12 गेंदें 29 रन, गेंदों और रनों के बीच में 17 का फासला है। ये फासला किस तरह से कम करेंगे बल्लेबाज ये देखने वाली बात है। नया ओवर लेकर आतिश गोडविंदे, बायत के गेंदबाज आतिश। आज आतिश वन डाउन खेलने आए थे, ज़्यादा गेंदे खेलने का मौका मिला नहीं, एक ही गेंद खेली उन्होंने। अपने बैटिंग के लिए काफ़ी मशहूर है आतिश गोडविंदे पूरे महाराष्ट्र में, ओपन क्रिकेट में भी आतिश का काफ़ी बोलबाला रहा है, खासतौर पर जो रबर बॉल क्रिकेट हमने देखा रेनी क्रिकेट उसमें भी और टेनिस बॉल क्रिकेट में भी। आतिश की पहली गेंद लोअर फुल टॉस, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, देखना है बैट से या नहीं, विकेट कीपर से ठीक तरह से रुकी नहीं और इसी बीच एक रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी वहां पर स्टंप्स के पीछे। इक्का दुक्का रन यदि आते रहते हैं तो मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना, क्योंकि अब समीकरण 11 गेंदे बची है और 28 रनों की जरूरत है। स्कोर इस समय 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच, टेनिस बॉल क्रिकेट की यह खासियत है एक दो गेंदों के भीतर भी मैच बदल जाता है। पहले ओवर में जब 28 रन बने तो ऐसे लग रहा था कि एक आसानी के साथ इस लक्ष्य को चेज करेगी खानीवली टीम, लेकिन दूसरा ओवर बहुत बढ़िया रहा। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है दर्शन ने खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद जो है पोल से जाकर टकराई है और नियम सभी टीमों को पता है कि गेंद यदि पावर लाइन या जो पोल है उनको टकराती है, मैदान के अंदर ही रहती है तो रन्स दौड़ कर लेने हैं, कैच ऐसी हालत में नहीं दिया जाएगा। गेंद यदि पोल से टकराने के बाद सीधे मैदान के बाहर जाती तो छक्का मिल सकता था, हालांकि स्ट्रोक इतना उम्दा था कि इसमें कम से कम 4 रन तो मिलने चाहिए थे, लेकिन खैर ये तो किस्मत की बात है, 2 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ा दर्शन को। इस बार जोरदार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए, फुलर लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा आकर खेलने की कोशिश, बिल्कुल स्टंप्स के सामने वहां पर पाए गए दर्शन। तीसरा करारा झटका खानीवली टीम को। महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम को दिला दिया है आतिश गोडविंदे ने, दर्शन जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे 2 के योग पर आउट हुए, बिल्कुल स्टंप्स के बीचों बीच पाए गए, अंपायर के लिए कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर डिसीजन देने में। नए बैट्समैन आए हैं रोशन तुंगारे,
खानीवली टीम के कैप्टन, स्कोर 36 रन। अभी भी हम देखें तो 26 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, केवल 9 गेंदे शेष, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है यहां पर खानीवली टीम को। और ये बड़ा स्ट्रोक जरूर है लेकिन मैदान के अंदर ही है, बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ पर, एक और विकेट का पतन। थ्रू द लाइन उठा दिया था वहां पर रोशन ने, लेकिन अधिक एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में और ना ही वो अंतर मिल पाया जिसकी जरूरत थी बाउंड्री को पार करने के लिए। सीधे लॉन्ग ऑफ पर सरताज के हाथ में कैच थमा बैठे रोशन तुंगारे। कमाल का खेल है क्रिकेट का। एक ओवर में 28 रन बने थे, 3 ओवर्स में 34 चाहिए थे, लेकिन अब काफ़ी अलग स्थिति हम देख रहे हैं। 8 गेंदों में 26 रनों की ज़रूरत है, मुश्किल इक्वेशन खानीवली टीम के बल्लेबाजों के सामने। नए बैट्समैन योगेश आए हैं और योगेश भी क्षमता रखते हैं कि बड़े प्रहार कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब राहुल के कंधों पर जो कि सलामी बल्लेबाज है। 4 गेंदे खेलिए 9 पर बैटिंग करते हुए और आतिश घोडविंदे इस समय हैट्रिक पर, एक हैट्रिक आज हम देख चुके हैं। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, बल्ले की जड़ से लगी थी, बॉटम एज लगा, कोई रन नहीं। लाजवाब गेंदबाजी आतिश घोडविंदे द्वारा। आतिश के पास अधिक गति नहीं है, कोई विशेष गति उनके पास नहीं है, लेकिन अच्छी कंट्रोल गेंदबाजी की है उन्होंने अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की आखिरी गेंद लेकर आतिश घोडविंदे, इस बार क्लीन बॉल्ड, बेहतरीन यॉर्कर, एक और विकेट झटक लिया है आतिश घोडविंदे ने। लाजवाब ओवर आतिश घोडविंदे का यहां पर समाप्त हुआ, बहुत ही सफल ओवर, 3 विकेट्स चटकाए और सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब काफी मुश्किल समीकरण है खानीवली टीम के सामने। परफेक्ट यॉर्कर, लंबा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज राहुल ने, पूरी तरह से चूक गए और फर्नीचर बिखर गया वहां पर स्टंप्स का। 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, एक ओवर बचा है और 26 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन रोशन काटस्कर, दोनों भी नए बल्लेबाज है, योगेश और रोशन, और दो ऐसे बल्लेबाज है जिनको ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब भी बैटिंग करती है खानीवली टीम, शेखर, राहुल, समीर, दर्शन और रोशन तुंगारे, ये 5 बल्लेबाज बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए। ज़्यादातर मैचेस समाप्त करते हैं यही 5 बल्लेबाज, और लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को बहुत अधिक मौका मिलता नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मौका मिला है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ चुनौती होती है तो एक तरफ मौका होता है। तो अभी देखना है, मौका भी है चुनौती भी है, मौके का क्या फ़ायदा उठा पाएंगे, क्या हीरो बन पाएंगे अपनी टीम के लिए योगेश और रोशन काटस्कर। 6 गेंदे 26 रनों की जरूरत। फील्डिंग की जमावट ऑन साइड में, एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर ले गए, एक डीप स्क्वेयर लेग की तरफ खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट है, और ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, आखिरी ओवर लेकर अमोल, पहली गेंद घुमा दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से 6 रन, बहुत ही सुंदर शॉट। योगेश ने दिखा दिया है आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कि ये मुकाबला घुमा दिया है, लंबा ऊंचा नहीं है और ये मैच समाप्त भी नहीं हुआ है, अभी भी काफी रोचकता बरकरार है खेल में। 5 गेंदे शेष, 20 रनों की जरूरत, अमोल की पहली गेंद शॉट रही और बल्लेबाज बहुत बढ़िया पोजिशन में आ गए थे, हुक किया डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत, ओवर की शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है योगेश ने, और इस तरह के स्ट्रोक्स आगे भी उनको खेलने होंगे। राहत की सांस नहीं ले सकते हैं बल्लेबाज क्योंकि समीकरण अभी भी काफी कठिन है। 5 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। अमोल एक बार फिर से लंबा बॉलिंग रनअप, चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव कर दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर फंबल हुआ है शानू द्वारा और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन कंप्लीट किए योगेश ने। स्ट्राइक अभी भी योगेश के पास है और अच्छी तरह से स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, मिडल कर रहे हैं गेंदों को, हालांकि 2 ही गेंदे खेली है लेकिन दोनों भी अच्छे शॉट्स उनके द्वारा, एक हुक शॉट और एक ऑफ ड्राइव। स्कोर 44, 44 रन। अब 4 गेंदे शेष और खानीवली टीम को बनाने हैं 18 रन। अमोल ओवर की तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट,
फुल टॉस गेंद लेकिन मिस टाइम कर बैठे, बहुत ही बड़ा लीडिंग एज और बढ़िया कैच गेंदबाज द्वारा, कॉटन बोल्ड, विकेट का पतन होता हुआ योगेश लौटते हुए पेविलियन में। बहुत ही बेहतरीन मौका था वहां पर बैट्समैन योगेश के पास छक्का लगाने का, फुल टॉस गेंद थी लेकिन काफी जल्दी खेल बैठे, बैट का जो फेस है बहुत जल्दी बंद कर लिया उन्होंने और यही वजह रही कि बल्ले का लीडिंग एज लगा, आगे वाला किनारा लगा और हवा में वहीं पर खड़ी हो गई थी, बॉलर ने कोई गलती नहीं की। तीन गेंदे शेष है और तीन छक्कों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए कबीर इलेवन खानीवली टीम को। स्ट्राइक इस समय रोशन काटस्कर के पास, ये गेंद दिशाहीन है, अब तीन गेंदे और 17 रन, स्कोर इस समय 45 रन, विकेट्स काफी गवा दिए हैं और वही कहीं ना कहीं कारण हम देख रहे हैं कि इक्वेशन काफी मुश्किल हो गया है खानीवली टीम के लिए। जैसे शेखर पहले ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हुए, उसके बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक विकेट गिरा और तीसरे ओवर में आतिश गोडविंदे ने तो कमाल कर दिया, तीन विकेट्स चटकाए उन्होंने। घुमाने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं और ये रन आउट के जरिए एक और विकेट का पतन, कमाल कर दिया, तीन विकेट। दो गेंदे बची है और 17 रनों की आवश्यकता, हार के बिल्कुल कगार पर नजर आती हुई कबीर इलेवन खानीवली जैसी दिग्गज टीम, एक मजबूत टीम पटना टेनिस बॉल क्रिकेट की, लेकिन दोनों भी टीमें मजबूत है। कड़े मैच की उम्मीद थी दर्शकों को, निश्चित रूप से मैच थोड़ा बहुत रोमांचक हुआ लेकिन जो मुकाबला हमने देखा विकी स्पोर्ट्स कुक से और छह गणेश वाफाले, इन दो टीमों के बीच में एक यादगार मुकाबला, उस तरह का हालांकि उस तरीके का ये मैच तो नहीं हुआ, एक हाई स्कोरिंग मैच जरूर ये देखने को मिला लेकिन कहीं ना कहीं अब खानीवली टीम काफी पीछे रह गई है। दो गेंदे 17 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन तुषार सामना करते हुए अमोल का, फुलर लेंथ, काफी दूर से खेलने का प्रयास किया, गेंद मिड ऑन की तरफ जाती हुई, सिर्फ एक रन। कहीं ना कहीं शेखर ने जो शुरुआत दी थी वो काबिले तारीफ थी, 19 रन बनाए थे शेखर ने 6 गेंदों पर लेकिन उनके अलावा अन्य बल्लेबाज विशेष योगदान नहीं दे पाए और यही वजह है कि अब हार के कगार पर इस समय खानीवली टीम। आखिरी गेंद केवल औपचारिकता है लेकिन लंबा शॉट वहां पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया कैच, सरताज ने यह कैच लपक लिया है और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है स्वराज इलेवन डोहले टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वराज इलेवन, हार्ड लक टफ लक कबीर इलेवन खानीवली। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया कैच, सरताज ने ये थैंक यू डीजे, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। मैच को जीता है डोहले टीम ने और उसमें दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमके हैं। एक तो आतिश गोडविंदे है, बढ़िया गेंदबाजी, सलमान की शानदार बैटिंग 21 रन, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले साहिल जूनियर, 34 रनों की धुआंधार पारी खेली 12 गेंदों में और उनका ओवर लाजवाब था, 5 रन देकर एक विकेट। आइए साहिल जूनियर, आपको मंच पर आना है। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय विकास जी भोईर यांना विनंती करतो, आपल्या शुभहस्ते सामनावीराचा पुरस्कार आपण प्रदान करायचा आहे साहिल जुनियरला। अतिशय जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी, आकर्षक ट्रॉफी आपण देतोय।